आप देख रहे हैं सक्सेसफुल करियर। आज हम आपको बताने वाले हैं मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग कोर्स करके 1.5 से 2 लाख रुपए कैसे कमाएं। ये बहुत इजीली, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और लेकिन आपको कोर्स इसके लिए करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो चाहिए हम लोगों को करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करो दूसरे को भी, ताकि हर शख्स को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि कोई बताता नहीं इतना डीपली। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स के बारे में। फर्स्टली हम एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है जो कि 6 महीने का होता है, जिसको बोलते हैं हम जीपी रेटिंग कोर्स। और इसका फीस जो है 2,35,000 रुपये होता है पूरे 6 महीने का। अब इसमें हॉस्टल खर्चा सारा कुछ, आपको खाना पीना रहना वहाँ पे सारा कुछ आपको इसमें मैनेज हो जाता है जो है। ये हर कॉलेज ये ऐसा करती हैं जो है। तो कई कॉलेजेस हैं, जैसे हमारा बीपी मरीन है, आशा मरीन है बनारस में, और कोलकाता में है आपका, गोवा में है, और इधर आपकी बात करते हैं तो लखनऊ में है। तो ये 6 महीना कंप्लीट करने के बाद इसमें 2 बैच चलते हैं, जनवरी से जुलाई और जुलाई से जो है दिसंबर। तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के बाद हम जब एज अ फ्रेशर लगते हैं किसी भी कंपनी में, अगर हम मेन फ्लिट कंपनी में जाते हैं, तो हमें फर्स्ट टाइम सैलरी जो है वो 60 से 70 हज़ार मिलती है। और अगर हम एज अ कोस्टल इन इंडिया एज अ फ्रेशर के रूप में जाते हैं, तो फिर हमें 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है। और ये हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये सबसे बेहतरीन ऑफर रहता है हर कंपनी का, लेकिन यहाँ तक आने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कुछ कदम होते हैं जो उठाने पड़ते हैं। जो उसके बाद जैसे कि हमें फर्स्ट टाइम एज अ फ्रेशर हम ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमें अगर हम ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद हम इंजन रूम, इंजन और डेक दोनों साइड से हम जा सकते हैं। अगर हम इंजन साइड से गए तो हमें 6 महीने का वॉच कीपिंग चाहिए, 6 महीने सेल एक्सपीरियंस के बाद हमें वॉच कीपिंग निकालना पड़ता है। उसके बाद अगर हम डेक डिपार्टमेंट से गए तो हमें 9 महीना चाहिए वॉच कीपिंग निकालने के लिए। वॉच कीपिंग निकालने के बाद अगर हम इंजन से हैं तो 12 महीना चाहिए हमें सीओपी निकालने के बाद, सीओपी निकालने के लिए जो है। और अगर हम डेक डिपार्ट से हैं तो हमें 18 महीना चाहिए सीओपी निकालने के लिए। उसके बाद चाहे हम मेन फ्लीट में रहे, चाहे कोस्टल इंडियन में रहे जो है, चाहे जिस कंपनी में रहे, हम सीओपी अगर निकाल लिए एक बार, तो अच्छी से अच्छी कंपनी हमें ऑफर देगी और हम जा सकते हैं। तो अगर हम सीओपी के बाद किसी भी कंपनी में गए तो हमें 1200 डॉलर से स्टार्ट होगा, उसके बाद 1200, 1500, 1800, 2000, 2500 एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे हमें बराबर हर बार हर सेलिंग के बाद जो है आपको इंक्रीज करने को मिलता है सैलरी। तो ये सबसे अच्छा ऑफर रहता है जो है। तो आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल चुकी है अभी ज़्यादातर, तो अगर कोई भी कसर रह गया हो तो उसके लिए आप हमें कमेंट करिए और सारी जानकारी आपको फिर से दी जाएगी जो है।